हेलो दोस्तों, आज मार्केट गिरने के पीछे कुछ और ही वजह था, जैसे कि हमारी सेफ्टी। आज के डेट में जो मार्केट गिरा है वो मार्केट ही नहीं दोस्तों, पूरा देश भी गिरा है। क्योंकि दोस्तों ये जो न्यूज़ आपको दिखाने वाला हूँ ये आज का जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जा रहा है आज के डेट में ही। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो न्यूज़ देख रहे हो दोस्तों ये आपको लाइव न्यूज़ दिखाया जा रहा है, आप कहीं पर भी इंटरनेट में सर्च मार के देख सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूज़ में आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना वायरस इंडिया न्यूज़ लाइव अपडेट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 386 न्यू कोरोना वायरस केसेस, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 386 न्यू कोरोना वायरस यहाँ पर देख सकते हैं इन लास्ट 24 आवर्स। मतलब कि दोस्तों आप देख सकते एक दिन के अंदर में यहां पर 386 नए लोग आ चुके हैं दोस्तों, इंडियन का बिगेस्ट सिंगल डे जंप। मतलब एक दिन के अंदर दोस्तों ये बहुत बड़ी जो आपको दिखाया जा रहा न्यूज है। और एक यहां पर देख लीजिए, ये ट्रंप ने दोस्तों अपने देश में घोषणा किया है कि कम से कम अगर कोरोना वायरस की वजह से लोग मरते हैं तो 1 लाख मर सकते हैं। आज के डेट में ही इन्होंने जो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों न्यूज़ जो है आज ये सब कुछ बताया जा रहा है दोस्तों, कम से कम अगर कोरोना वायरस से अगर डेथ होता है तो दोस्तों व्हाइट हाउस प्रोजेक्ट मोर देन 1 लाख कोरोना वायरस डेथ, एक यहाँ पर देख सकते हो मोर देन 1 लाख। और दोस्तों यहाँ से बताया जा रहा है कि दोस्तों अमेरिका का कम से कम तो 2 से 2.5 लाख लोग मर सकते हैं, ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया वो तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बट इन डायरी, ठीक है। डॉक्टर मतलब कि दोस्तों वहाँ जो अमेरिका के डॉक्टर है वो बोलना चाहते हैं, यहाँ देख लीजिए सेड दैट इवन इफ़ फेडरल गाइडलाइंस आर फॉलोड, मतलब कि दोस्तों हम जो भी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, सोशल डिस्टेंस रखते हैं और दोस्तों जो कर्फ्यू लगा है उसका भी हम फॉलो करते हैं, मास्क लगाते हैं, जो भी करते हैं दोस्तों, अगर हम वो भी कर सकते हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो करने के बावजूद भी आप देख सकते हैं दोस्तों कम से कम 1,00,000 से 2,40,000 लोग, बिटवीन 1,00,000 to 2,40,000 लोग जो है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं कुड डेथ आकर, मतलब कि दोस्तों डेथ कुड आकर, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतना डेथ हो सकता है। तो सोचिए ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और ये अनाउंसमेंट दोस्तों आज ही किया गया है, आप इंटरनेट या कहीं पर भी देख लीजिए दोस्तों, आज ही किया गया है। और इसके वजह से हमारे इंडिया पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। हमारा इंडिया 5 साल पीछे चला जा चुका है, 5 साल पीछे। अब बोलेंगे कैसे, तो यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको GDP दिखाता हूँ, ठीक है भाई। GDP इकोनॉमिक ग्रोथ देख लीजिए, चाहे आप जो भी फिजिकल डिफिशियट भी देख लीजिए। आज के डेट में अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता है GDP क्या होता है, फिजिकल डिफिशियट क्या होता है, इकोनॉमिक क्या होता है, चाहे इंडिया का ग्रोथ अगर नहीं पता है, तो मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में बता सकता हूं, इंडिया के पास खुद को सर्वाइव करने के लिए इतना कैपिटलाइजेशन नहीं है। तो दोस्तों वो डोनेशन, मतलब आप डोनेशन के रूप से वो पैसा जुगाड़ कर रहे हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों रतन टाटा ने लगभग 500 या 1500 करोड़ के आसपास दिया है, रतन टाटा के ग्रुप ने 1500 करोड़ के आसपास, हमारे अंबानी जी ने दोस्तों 500 करोड़ दिया है और जैक मार्क ने भी 500 करोड़। तो ये क्या है दोस्तों, डोनेशन है, 5 लाख रुपया से लेकर करोड़ों रुपया तक डोनेशन दिया जा रहा है। क्यों दोस्तों, बचाने के लिए, इंडिया के लोगों को बचाने के लिए, आपको हमें बचाने के लिए। और क्यों, यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का जो GDP है ये देख लीजिए दोस्तों 2013 और 2014, ठीक है, ये 2018 और 2019 को आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों ये जो है कितना था दोस्तों, 4 पॉइंट, यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, जूम करके, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना था, ये जो लाइन है दोस्तों पहले का, ये जो लाइन है अभी का, ठीक है। तो पहले कितना था, 4.6, ठीक है, 4.6, और अभी कितना है दोस्तों, अभी 5.8, और अभी था कितना, 8.2 था, ठीक है, 8 पॉइंट, मतलब कि दोस्तों ये 10 को टच करने वाला था और वापस कहाँ आ चुका है दोस्तों, 5 में। तो सोचिए 5 साल पीछे जा चुका है कि नहीं, अगर हम देखते हैं GDP के हिसाब से तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी आप कहीं पर भी देख लीजिए दोस्तों, हमारे पूरा इंडिया का जो है ग्रोथ रुक चुका है, और रुकने के आप देख लो, जहाँ कहीं भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे इंडस्ट्री है, सबको बंद कर दिया गया है, सबको बंद कर दिया गया है दोस्तों। और ये जो इम्पैक्ट है कोरोना वायरस का, इंक्रीज़ होते जा रहा है, और जब तक नहीं रुक जाता मेरे ख्याल से दोस्तों आपको मार्केट में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप खरीदते हो तो आपको नुकसान होने का भी उतना ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आप कौन से स्टॉक में निवेश कर रहे हो वो आपको देख के सब कुछ सोच के खरीदना चाहिए। अगर कुछ लोग अभी भी सीरियस नहीं है कि ये कोरोना वायरस के वजह से मार्केट नहीं गिर रहा, तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए 2 से 2.5 लाख लोग जो यहाँ पर इससे कोरोना वायरस से इसके संगत में आने वाले, तो सोचिए किसी का भी फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, किसी का भी फैमिली पर, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों, एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है। ये किसी को भी, किसी के अगल बगल फैमिली को भी इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि किसके फैमिली में क्या है कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको
वेट करना चाहिए, और अगर आप निवेश भी करते हो तो अच्छे से अच्छे स्टॉक में निवेश करिए। हाँ, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि 2008 से भी भयंकर गिरावट हो सकता है इसमें। 2008 से भी दोस्तों, 2008 में लगभग मुझे लगता है दोस्तों 70% या 60% के आसपास मार्केट गिर चुका था, ठीक है, 60% या 70% के आसपास मार्केट गिरा हुआ था। और अभी जो मार्केट गिरा है दोस्तों वो 35% के आसपास गिरा हुआ है। ये भी हो सकता है कि अभी और 30% या 35% के आसपास गिर जाए, होना नहीं चाहिए, मैं ये खुद से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, अगर कोरोना वायरस कंट्रोल में नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर अभी आप सोच रहे हो कि निफ्टी ने बॉटम बना दिया, तो मेरे ख्याल से लगता है कि अभी और भी गिर सकता है, तो आपको खरीदने के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा तो दोस्तों आप लाइक करके इंक्रेज कर सकते हो, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कुछ वीडियो जो है अपलोड भी हो चुका है। किसी ने ये भी बताया कि दोस्तों ट्रंप के चेतावनी से थरा उठा बाजार, मतलब मैंने जो बताया वो बिल्कुल और एग्जैक्ट सच था। सोचिए दोस्तों, लाख दो लाख लोग में से किसी का भी फैमिली हो सकता है, और सबको अपना फैमिली प्यारा है, तो इसीलिए दोस्तों पूरा मार्केट में हलचल मच चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि अभी भी मार्केट शांत हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के आसपास जो है यहाँ पर टाइम दिया गया है, ठीक है। तो ये मैं आपको यूट्यूब में दिखा रहा हूँ, किसी ने वीडियो अपलोड किया टेक प्लस में, तो वो दिखा रहा हूँ कि यही रियलिटी है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। और इसी तरह के दोस्तों सही न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो रेड बटन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके, ठीक है, ये मेरा चैनल नहीं है। फिर भी दोस्तों मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।